हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बाइट एंड बी योर टीचर एंड एजुकेटर। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो है। अब आप कहेंगे सर, इतने दिनों से तो आप नेटवर्किंग का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आज की वीडियो में क्या स्पेशल है? आज की वीडियो आपके कई दिनों से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब है। कई दिनों से मेरे पास कमेंट्स में पूछे जा रहे हैं कि नेटवर्किंग की और कितनी वीडियोस हैं, नेटवर्किंग कब खत्म होगा। तो ये हमारा नेटवर्किंग का लास्ट टॉपिक है। आपका नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे वो चीज़ आ चुकी है। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर, और इस चैप्टर के साथ आपका पूरा क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आईपी के सिलेबस में एक दो लेक्चर्स और बच रहे हैं, इसके कंप्लीट होते ही उसकी वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएंगी, और लगभग दो तीन लेक्चर्स में क्लास 12th आईपी का भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर इसके बाद कम्युनिकेशन का और कोई वीडियो लेक्चर आता है तो वो आपके सिलेबस का नहीं है। अब आप कहेंगे सर सिलेबस में नहीं है तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, सिलेबस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इस बार सीबीएसई ने काफ़ी सिलेबस रिड्यूस कर दिया था क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन थी, स्कूल ज़्यादा दिन ऑपरेट नहीं हो पाए थे, इसलिए फिजिकल फॉर्म में खासतौर पर, तो इसलिए सीबीएसई चाहती थी कि सिलेबस का बर्डन बच्चों पर कम पड़े, तो इसलिए सीबीएसई ने सिलेबस काफ़ी कम कर दिया। आपने देखा है आपकी बुक में कई टॉपिक्स गिवन हैं जो कि इस बार सिलेबस में नहीं आ रहे। मैं वीडियो लेक्चर में उनको कवर नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आगे आने वाले टाइम में वो लेक्चर्स पढ़ाने तो हैं ही, और अभी मैं कम्युनिकेशन जब कवर करवा ही रहा हूं तो वो बचे हुए टॉपिक भी मैं कवर करवाऊंगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन की अगर आगे कोई वीडियो आती है तो आप अपनी नॉलेज के पर्पस के लिए उसे देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल एग्जाम के लिए फॉर द ईयर 2021-2022 फॉर टर्म टू एग्जाम वो वीडियोस काम नहीं आने वाली एग्जाम के मोटिव से। नॉलेज के मोटिव से आप ज़रूर कर सकते हो। हाँ, अगर आपके होम एग्जाम में स्कूल की बुक से पेपर बनाया जा रहा है, बोर्ड के रूल्स को थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है, तो उस केस में वो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। लेकिन अगले टर्म में जब अगले सेशन में जब वो टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे तो वो लेक्चर फिर से यूजफुल हो जाएंगे। तो इसलिए फिलहाल आप लोगों के सवालों का जवाब जो है वो ये है कि आपका 2021-2022 सेशन का ये नेटवर्किंग चैप्टर का आखिरी लेक्चर है और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लास 12th कंप्यूटर साइंस सिलेबस, दी एंड, फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। चलिए पहले लेक्चर कंप्लीट करते हैं, असली मुबारकबाद तो तब दी जाएगी। और हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या होती हैं? आप देख रहे होंगे काफ़ी देर से HTML का जो लोगो है वो हिले जा रहा है बिकॉज इट इज़ अ GIF। तो हम इसमें ब्राउजर्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, XML क्या है, URL क्या है, HTML क्या है, ये सब चीज़ें हम अपने आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम मैंने आपका ज़रूर ले लिया, लेकिन उसे टाइम वेस्ट ना मानते हुए हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमेशा की तरह आप लोगों से जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को करेक्ट आंसर पता चले। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कुछ प्रोटोकॉल के नाम बताने जिनका लेना देना है सेंड करने से और रिसीव करने से ईमेल को। तो ईमेल से रिलेटेड हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो SMTP है। इस मैंने ST लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड, ये इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। और SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ये होता है। एक होता है POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, और एक होता है IMAP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये जो है वो तो है सेंडिंग से, इसका लेना देना है ईमेल की सेंडिंग से, और इन दोनों का लेना देना है रिसीविंग से। मेल को रिसीव करना, ईमेल क्लाइंट पे सर्वर से उसे रिसीव करना, वो काम जो है वो POP3 और IMAP देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है। तो HTTP थोड़ा सा हमारे को जगह चाहिए होगी, HTTP और HTTPS इट इज नॉट सिक्योर्ड और इट इज सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड होता है, वो सिक्योर्ड नहीं होता। डेटा इज ट्रांसफर्ड
एज नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल रिटन मैटर की तरह डेटा ट्रांसफर होता है। और सेकेंड पॉइंट हमारा HTTPS का, मैं इस जगह लिख रहा हूँ, बल्कि HTTPS की एक्सप्लेनेशन ही यहीं कर लेते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इट इज सिक्योर्ड। और सेकेंड पॉइंट है डेटा इज फर्स्ट एनक्रिप्टेड एंड देन ट्रांसफर्ड। और इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट, इसकी जो एक्सटेंशन है जो लिखी जाती है वो HTTP:// लिखी जाती है प्रोटोकॉल को, और इसमें लिखा जाता है HTTPS:// तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस थे। इसमें HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है, यानी ये सिक्योर्ड है और इसमें सिक्योरिटी नहीं है। इसमें डेटा नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में ट्रैवल करता है, इसमें डेटा को पहले कन्वर्ट किया जाता है नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में, तब ट्रांसफर किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए HTTP:// लगाते हैं, और इसको इस्तेमाल करने के लिए HTTPS:// लगाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा तो हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया। तीसरा है नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू अ रिमोट होस्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस लोकेशन। तो इसका आंसर है हमारा टेलनेट, दैट इज टर्मिनल नेटवर्क। तो टेलनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम एक दूर पड़े हुए कंप्यूटर से, दूर पड़े हुए सर्वर से ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं जैसे हम डायरेक्टली उसी पे ही काम कर रहे हों, हमेशा की तरह। जैसे अगर आपके ये वाले आंसर सही हैं तो अपने लिए क्लैपिंग ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आंसर में कहीं गड़बड़ है तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आप रिविज़न कीजिए और अपने डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। फिर भी अगर कोई शंका है तो कॉमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करके अपने डाउट प्रॉब्लम को ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुरू होता है वर्ल्ड वाइड वेब से। तो वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वेब भी कह सकते हैं, समुद्र है जानकारी का। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। वो जानकारी ऑडियो के फॉर्म में हो सकती है, वो जानकारी वीडियो के फॉर्म में हो सकती है, वो जानकारी एनिमेशन के फॉर्म में हो सकती है, रिटन टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है। तो बहुत सारी जानकारी जो है वो अवेलेबल है, और ये ट्रिलियंस ऑफ पेजेस हैं, ये ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस और वेब रिसोर्सेज हैं जो कि सर्वर पे पड़ी हुई होती हैं, और हम इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितनी भी रिसोर्सेज हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हो, इनको आप शेयर कर सकते हो, और उसके लिए आपको जिस चीज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा दैट इज़ आर इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये एक समागम है, एक मिश्रण है किसका, रिसोर्सेज का और यूजर्स का, यानी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जैसे कि ऑडियो वीडियो और एनिमेशन और टेक्स्ट और अलग अलग तरीके की जानकारी, और यूज़र्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद, और इस काम के लिए वो जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिस रूल्स एंड रेगुलेशन का वो इस्तेमाल करते हैं उसे HTTP कहते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वर्ल्ड वाइड वेब में ये सब जानकारी अवेलेबल होती है। जब भी आप कोई गूगल पे या कहीं किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, आप देखते हैं ऑटोमेटिकली उसके आगे www. लग जाता है, यानी ये सारी जानकारी हमारी वर्ल्ड वाइड वेब में अवेलेबल है, और हम इसी का इस्तेमाल करके अपनी इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइव मैचेस देखते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में अवेलेबल है। इसके बारे में और जानकारी है कि पहले जब आपको कोई फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर पे जो पड़ी होती थी उसका इस्तेमाल करना होता था, तो आपको डायरेक्टली उस कंप्यूटर पे लॉगिन करना पड़ता था इंटरनेट की मदद से, यानी सारी जानकारी एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होती थी, आपको जो जानकारी है वो अलग अलग कंप्यूटर से लेनी पड़ती थी, उस अलग कंप्यूटर पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ता था, अगर परमिशन होती थी तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाते थे। यहाँ पे जो हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उनमें अलग अलग तरीके की जानकारी पड़ी हुई है, लेकिन ये जो जानकारी है ये अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है। क्यों भाई, कंप्यूटर अगर अलग है, कोई विंडोज है, कोई एंड्रॉयड है, कोई लिनक्स है, कोई मैक का ऑपरेटिंग iOS है, और कोई मैक का मैकिंटोश OS है, तो ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग डिवाइसेज हैं, और इनके अंदर डेटा का स्टोरेज का फॉर्मेट भी डिफरेंट होता है। तो ये बहुत मुश्किल होगा एक दूसरे की बात समझना, एक दूसरे के साथ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज करना, लेकिन
ये कमी एक साइंटिस्ट जिसका नाम है टिम बर्नर्स-ली, जो कि एक कंप्यूटर ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कमी को समझा और उन्होंने कहा भाई इसका तो इलाज होना चाहिए। तो उन्होंने इस वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप करा 1990 में, और इसके डेवलपमेंट में इन्होंने तीन मेन चीज़ों का इस्तेमाल किया, तीन मेन फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। उस वेब पेजेस को बनाने के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज यूज़ करी जिसका नाम है HTML। वेब पेजेस को इस्तेमाल करने के लिए उनका एक पता होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे वेब पेजेस हैं, अगर उनका पता नहीं होगा तो हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हर एक वेब पेज का एक पता देने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया उसे URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो ये हमारे पेजेस हैं इनको आपस में जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अलग अलग कंप्यूटर से, अलग अलग फाइल फॉर्मेट से जब इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो इन सबको कुछ कॉमन रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो फॉलो नहीं होंगे तो आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगी। तो वो जो कॉमन रूल्स है जिसकी मदद से HTML पे बने हुए ये जो वेब पेजेस हैं इन्हें हम अलग अलग कंप्यूटर्स पर देख पा रहे हैं, उसके लिए जो रूल फॉलो होता है उसे HTTP कहते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने पहले वाली वीडियो जो हमने नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स पढ़े थे उसमें सीख लिया था। तो टिम बर्नर्स-ली ने 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब को ईजाद किया था, उसके लिए उसने तीन मेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, एक HTML नाम की लैंग्वेज, एक URL यानी एड्रेसेस ऑफ द वेब पेज, और एक HTTP वो प्रोटोकॉल जिसकी मदद से वेब पेजेस को आपस में अलग अलग टाइप के कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के फॉर्मेट में कंबाइन करके इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे फिगर दिखा रही है कि ये क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स यानी वो लोग, वो कंप्यूटर्स जो इस्तेमाल करना चाहते हैं जानकारी का। तो ये डेस्कटॉप हो सकता है, PC हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल की मदद से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी रिक्वेस्ट जो है वो जा रही है इंटरनेट के पास। इंटरनेट हमें प्रोवाइड करा रहा है हमारा ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यही रिक्वेस्ट जो है वो जा रही है सर्वर के पास, और सर्वर देख रहा है कि ये जानकारी जो है उसके पास अवेलेबल है। ये जानकारी लेने के लिए वो जा सकता है डेटाबेस के पास, विच इज़ अगेन स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के पास जाके जानकारी लाने का काम करेगा, और ये जानकारी जो है वो रिस्पॉन्स के फॉर्म में यानी जवाब के फॉर्म में वापस भेजी जाएगी आपके ISP को, और फिर आपके कंप्यूटर पे दिखा दी जाएगी। तो ये बिल्कुल हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही है जो आप लोगों ने पढ़ा था, और उस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में दिखाया जा रहा है कि कैसे वेब सर्वर पे पड़े हुए हमारे वेब पेजेस या वेबसाइट्स हमारे कंप्यूटर तक पहुंचने का काम करते हैं, किस तरीके से HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है, और इस जानकारी को सर्वर से उठाकर हमारे कंप्यूटर्स की स्क्रीन तक लाए जाने का काम किया जाता है। तो ये विजुअलाइजेशन थी बेसिकली ये दिखाने के लिए कि कैसे वेब पेजेस जो कि सर्वर पे हैं उन्हें हमारे कंप्यूटर तक लाए जाने का काम किया जाता है। यहाँ पे दूसरी चीज आती है हमारे पास HTML। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था टिम बर्नर्स-ली ने तीन मेन टेक्नोलॉजी बनाई थी, एक लैंग्वेज जिसे HTML कहते हैं, और URL वेब पेजेस के एड्रेस जिसे कहते हैं, और HTTP प्रोटोकॉल जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करके वेब पेजेस को शेयर किया जा सकता है या सर्वर से अपने कंप्यूटर पर लाया जा सकता है। तो उनमें जो मुख्य पार्ट है वो है हमारा HTML। तो HTML बेसिकली होता क्या है, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ऐसा है टेक्स्ट जिसके अंदर एड्रेस पड़ा है। हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट कंटेनिंग एड्रेस इन इट। इसके अंदर एड्रेस है उस लोकेशन का जहां पर आपको ले जाया जाना चाहता है, कंटेनिंग एड्रेस इन इट। तो हाइपर टेक्स्ट एक स्पेशल टाइप का टेक्स्ट है जिसके अंदर एड्रेस होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है उसका नाम इस तरीके से रखा गया। ये एक स्पेशल लैंग्वेज है, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे आपके पाइथन की तरह, लेकिन ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब आप कहेंगे मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसका मेन मकसद सिर्फ एक ही है, आप इससे वेब पेजेस बना सकते हो या आप इससे वो डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो जो आप अपने वर्ल्ड वाइड वेब पे यानी वेब पे शेयर करना चाहते हो। यानी बेसिकली अगर मान लो हमने
वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में कोई जानकारी बनाई है वो हमारे कंप्यूटर में सीमित है, और उसको हम पेन ड्राइव से कनेक्ट करके, पेन ड्राइव में सेव करके किसी और के कंप्यूटर पे ले जाके भी चला सकते हैं, लेकिन वो जानकारी हम पूरी दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ फाइल। और अगर आप उसे इंटरनेट पर डालते भी हो तो वो जब कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो डाउनलोड होगी, वो वहाँ पर ओपन नहीं होगी, जबकि हम चाहते हैं कि वो जानकारी जो है वो डाउनलोड होए ना, वो सीधा हमारे को स्क्रीन पर दिखाई दे, जैसे नॉर्मल विकीपीडिया के पेजेस में दिखती है, फेसबुक के पेजेस में दिखती है। जब तक आप कुछ अलग से डाउनलोडिंग की रिक्वेस्ट नहीं करते तब तक कोई डाउनलोड नहीं होता। तो अगर हम ऐसा ही वेब पेज बनाना, ऐसी ही चीज़ बनाना चाहते हैं कि जब हम कोई वेबसाइट का नाम डालें तो हमारे सामने वो पेज आ जाए, पेज में लिखी हुई जानकारी दिख जाए, तो हम बेसिकली एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, और ये वेब पेज पूरी दुनिया में सबके पास अवेलेबल रहे, तो इसलिए हम इसे वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट होता है, जो कि बेसिकली हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है। हाईलाइटेड यानी अलग से उसे हाईलाइट किया जाता है, अलग से उसे फोकस किया जाता है उसके ऊपर। इट इज ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का होता है वो, इट इज ऑफ ब्लू कलर एंड इज अंडरलाइंड भी होता है वो। जब आप अपना माउस कर्सर ले जाते हो हाइपरलिंक पे तो वो हैंड शेप में चेंज हो जाता है। हाइपरलिंक पे माउस कर्सर ले जाने से इट चेंजेस टू हैंड शेप, और जब हम क्लिक करते हैं उसके ऊपर तो टेक्स अस टू न्यू लोकेशन, फिर वो हमारे को एक नई लोकेशन, नए वेब पेज पे या उसी वेब पेज में किसी और जगह पे ले जाने का काम करता है। तो एक लैंग्वेज है जो कि बनाई गई है मेनली वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि ये वेब कंटेंट जो है वो पढ़े जा सके या समझे जा सके किसी भी कंप्यूटर के द्वारा। ये कॉमन फॉर्मेट बनाया गया ताकि जानकारी पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके से शेयर करी जा सके। तो ये स्टैंडर्डाइज वे है वेब पेजेस बनाने का और वेब कंटेंट तैयार करने का, ताकि उसे पूरी दुनिया में किसी भी टाइप के कंप्यूटर पे, किसी भी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे पढ़ा जा सके और उन कंप्यूटर को इसे समझने में कोई दिक्कत ना आए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वेब पेज का, उसे बनाने के लिए हमारी HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब वेब पेज बनाने के लिए दो मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो दो मेन चीज़ें जो हैं वो है टैग्स और एट्रीब्यूट्स। तो टैग्स जो है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इनके अंदर ही शामिल होते हैं, ताकि हम टैग्स की पावर को इनक्रीज कर सकें। तो बेसिकली वेब पेज में क्या दिखाना है, कहाँ दिखाना है, वो सब टैग्स डिसाइड करते हैं। व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड, व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड और वेयर इट इज टू बी डिस्प्लेड एंड वेयर इट इज टू बी डिस्प्लेड, ये काम जो है ये जिम्मेदारी है हमारे टैग्स की। अब उस टैग्स में कुछ थोड़ी बहुत और फेर बदल करने के लिए, उनकी अपीयरेंस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, अपने हिसाब से उसे ढालने के लिए जिस एक्स्ट्रा चीज़ का इस्तेमाल होता है वो होती है एट्रीब्यूट। अगर आप एट्रीब्यूट ना भी इस्तेमाल करें मैक्सिमम काम हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे, मैक्सिमम काम हो जाएंगे। तो दो मेन चीज़ें हैं जो HTML में इस्तेमाल होती है, एक तो टैग और एक एट्रीब्यूट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, विजुअलाइजेशन दिखाई जा रही है कि ये हमने एक टैग यूज़ कर रखा है। बेसिकली ये टैग पैराग्राफ टैग नाम से जाना जाता है HTML में। तो जब हम कोई मैटर पैराग्राफ में दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इस पी टैग का इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर ये जो क्लास नाम की चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है, और हमने इसको एक वैल्यू दे रखी है इंपॉर्टेंट, ताकि हम इस वैल्यू के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकें। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक और एट्रीब्यूट इसमें लगाया जा सकता है जिसका नाम है अलाइन। अलाइन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, हमारे पास चार तरह की अलाइनमेंट होती हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग, मेरा जो पैराग्राफ है वो स्क्रीन के बीचों बीच आए, तो मैं यहाँ पे इसमें सेंटर
नाम की वैल्यू जो है वो अलाइन को दे दूंगा। तो अलाइन भी मेरे लिए क्या हो गया, अलाइन भी मेरे लिए एक एट्रीब्यूट हो गया और सेंटर बेसिकली मेरे लिए उसकी एक वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके अपने पैराग्राफ के साथ, अपने किसी भी टैग के साथ उसकी वर्किंग को चेंज करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया, पी एक टैग है और बेसिकली पैराग्राफ टैग कहलाता है। इस टैग में देखो, टैग्स हमारे पास वो होते हैं जिनको स्टार्ट भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग जो है वो एंड करा गया है और जो भी हम पैराग्राफ में दिखाना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये बेसिकली हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर का कंटेंट हो गया। तो अगर हम वेब पेज बनाना चाहते हैं तो हमारे को इस तरीके से टैग्स और एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स का। चैनल पर सिलेबस के हिसाब से तो नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों की बढ़ाने के लिए HTML का कोर्स भी आने वाला है। तो HTML का कोर्स, एक बार बस मेनली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बहुत सारे और कोर्सेज आएंगे इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें आपको कंप्यूटर की काफ़ी सारी नई चीज़ें और यूज़फुल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए, सीखने को तो ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन उनमें से कुछ काम की चीज़ें होती हैं और कुछ ज़्यादा काम की नहीं होती है। तो कहना बेकार है कि बेकार चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आई जाती है, लेकिन कंप्यूटर में कई सारी चीज़ें हैं जिनमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल और कुछ कम है। तो इनमें आपको ये जो कोर्सेज हैं जो आने वाले टाइम में अवेलेबल होंगे चैनल पे, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आप कंप्यूटर के साथ एक तो जुड़े रहेंगे, दूसरा आपको कंप्यूटर की नॉलेज बढ़ती रहेगी, प्लस आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि असल जिंदगी में हम चीजें जो बनती हैं कंप्यूटर में, जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट्स, वो कैसे बनाई जाती हैं, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना पाओगे, ये सब चीजें आपको आने वाले दिनों में सिखाई जाएंगी। तो ये करने के लिए, मतलब वैसे तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े ही रहेंगे तभी तो आप ये सीख पाएंगे, लेकिन एक काम आपने और करना है। जैसे आप लोग हमारे तक पहुंचे हैं, मे बी यूट्यूब में सर्च करके पहुंचे या गूगल में सर्च करके पहुंचे, कई लोग हमारे तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो उन तक आप लोगों की मदद से हम पहुंचना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, आप बस ये कीजिएगा कि जो वीडियो है उसके साइड में शेयर का बटन होता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए और आपके जो सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टा है, चाहे व्हाट्सएप है, उनके साथ एक बार शेयर कर दीजिए। भाई वो अगर उन्हें जरूरत हुई वो अपने आप देख लेंगे, अगर उन्हें कंटेंट पसंद आया तो चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना फर्ज निभा दीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर करने का, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर उन्हें काफी अच्छा लगता है तो उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा इससे, जैसे आप लोग सीख रहे हैं तो उन्हें भी सीखने का मौका मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियोस को शेयर कीजिएगा, पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव, अपने विचार, क्या नई चीजें और सीखना चाहते हो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेबस कंप्लीट होने वाला है तो आपको नई चीजें भी जल्दी सीखने को मिलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने ई को जानबूझ के कैपिटल करा, क्योंकि XML के एब्रीवेशन में एक्स, एम और एल आता है, ई नहीं आता, जबकि स्टार्टिंग लेटर ई है। तो XML इन तीन अक्षरों से बना है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML भी मार्कअप लैंग्वेज है, XML भी मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है भाई, तो मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली रूल्स हैं जिनमें टैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये डिफाइन करते हैं कि क्या हमारे डॉक्यूमेंट का ढांचा होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या फॉर्मेट होगा मैटर का जो कि हम अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये रूल्स हैं जिनमें टैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, टैग से हम स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, टैग से हम ढांचा बना पा रहे हैं, टैग से हम फॉर्मेट बता पा रहे हैं कि कैसे हम जानकारी को यूज़र को ऑनलाइन, यानी वेबसाइट या वेब पेज का जब वो इस्तेमाल कर रहा है उसे स्क्रीन पे कैसे दिखाएंगे। XML जो है वो HTML से थोड़ी सी अलग है। XML मेटा लैंग्वेज कहलाती है। मेटा लैंग्वेज का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल करके हम दूसरी नई लैंग्वेजेस बना सकते हैं, यानी ये तो काफ़ी पावरफुल चीज़ है। HTML तो बनी बनाई है, HTML में आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन XML एक मेटा लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल करके आप और नई लैंग्वेजेस बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि रेसिपी XML नाम से एक है और एक चेक्स
चेस XML नाम से हमारे पास है। तो ये कुछ XML लैंग्वेजेस हैं जो XML के ऊपर बेस्ड हैं, नई लैंग्वेजेस बनी हुई हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हुई हैं। और XML एक मेटा लैंग्वेज है क्योंकि इसकी मदद से दूसरी लैंग्वेज को बनाया जा सकता है। अब XML करता क्या है? चलो HTML तो हमें पता लग गया कि वेब पेज बनाता है, सवाल है XML क्या करता है? XML में टैग्स यूज होते हैं, XML एक मेटा लैंग्वेज है जिससे हम दूसरी लैंग्वेजेस बना सकते हैं, लेकिन XML का खुद का रोल क्या है? तो XML का खुद का रोल ये है कि वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट बनाता है। एप्लीकेशन यानी कि जिस सॉफ्टवेयर या जिस वेबसाइट के लिए हम काम करना चाह रहे हैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जो कि हमें क्रिएट करने में और इस काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खुद के बनाए हुए नए टैग्स। यानी इसमें हम नए नए टैग्स बना सकते हैं। HTML में टैग्स बने बनाए होते हैं, आप उन बने बनाए टैग्स का इस्तेमाल करते हो, जबकि XML में आप ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपनी मर्जी के खुद के टैग्स को क्रिएट कर सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट है इसको थोड़े टाइम बाद या इसका जब पूरा आपका ये हो जाता है तो उसे आप रेंडर कर सकते हो। रेंडर का मतलब उसे इंसानों के पढ़ने वाले फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। उसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक फिगर का यूज़ किया जा रहा है। ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, उम्मीद है आपको मोबाइल की तरह ही लग रहा होगा, मैंने तो इसी उद्देश्य से इसे लगाया है। ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये आपको टैबलेट की तरह दिख रही होगी और यहाँ नीचे जो स्क्रीन है ये हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप की है। अब इन तीनों ही चीज़ों में आपको एक ही चीज़ खुली हुई दिखाई दे रही होगी और गेस कीजिए वो क्या है। इससे पहले कि मैं लिखूँ आप गेस कीजिए कि वो क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के अपना जवाब देख सकते हो। मैं 5 तक गिनूंगा, तब तक आपको कोई हिंट नहीं दे रहा, आप अपने आप गेस करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो हाँ, आप में से कुछ समझदार लोगों ने देख लिया होगा, ये हमारा जीमेल है। जी हाँ, ये हमारा जीमेल है और जीमेल को मैंने 3 अलग अलग डिवाइसेस में दिखाया। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है? अगर आप ध्यान से देखो भाई, जीमेल मोबाइल फ़ोन में खोलते हो तो अपीयरेंस कैसी आ रही है, जीमेल को टैबलेट में खोल रहे हो जिसका स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा मोबाइल से बड़ा है तो इसमें कैसे अपीयरेंस आ रही है, और जीमेल को जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे खोलते हो जिसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है तो उसमें अपीयरेंस कैसा आ रहा है। तो अब देखो, चाहे अपीयरेंस जैसा मर्जी हो, क्या ईमेल के अंदर का मैटर बदल जाएगा? क्या जो हमारे पास मेन कंटेंट है वेबसाइट का, क्या वो चेंज हो जाएगा जब हम उसे अलग अलग डिवाइसेस पे दिखाना चाहते हैं? नहीं। आप चाहे मोबाइल पे गूगल खोल लो या लैपटॉप पे गूगल खोल लो या विकिपीडिया आप किसी भी डिवाइस पे खोल लो, उसके अंदर का मैटर सेम रहता है, लेकिन उनकी अपीयरेंस बदलती है। मोबाइल पे खोलने पे अलग तरीके की अपीयरेंस आएगी, टैबलेट पे खोलने पे अलग तरीके की अपीयरेंस आएगी, और लैपटॉप और डेस्कटॉप पे खोलने पे, क्योंकि वहां पे जगह सबसे ज्यादा है, वहां पे एक अलग अपीयरेंस आएगी। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, HTML में एक कमी है, HTML में एक कमी है कि यहाँ पे डेटा और डेटा की रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा को कैसे दिखाना है, ये दोनों चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं। डेटा और डेटा की रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, हम इन्हें अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डेटा अलग हो जाए और रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो उसका जवाब ये है कि भाई, डेटा हमारा जब अलग अलग डिवाइस पे दिखाया जाएगा तो डेटा तो सेम रहेगा, चाहे किसी भी डिवाइस पे देखें डेटा में चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन में रिप्रेजेंटेशन कुछ और है, टैबलेट में रिप्रेजेंटेशन कुछ और है, लैपटॉप और डेस्कटॉप में रिप्रेजेंटेशन कुछ और है। तो हम रिप्रेजेंटेशन 3 बार क्रिएट कर लेंगे या अलग अलग क्रिएट कर लेंगे, लेकिन डेटा क्यों बार बार क्रिएट करें? तो इसलिए हम डेटा को अलग करना चाहते हैं। तो डेटा को हम XML की मदद से अलग कर सकते हैं। XML के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा आता है और ये डेटा हम अलग अलग तरीके की डिवाइसेस पे डिस्प्ले करने का काम कर सकते हैं। तो XML का मेन काम है डेटा और रिप्रेजेंटेशन को अलग करना, जिसकी मदद से आप डेटा जो सेम रहेगा उसे एक जगह बना सकते हो और रिप्रेजेंटेशन आप बना सकते हो स्टाइल शीट की मदद से। तो स्टाइल शीट नाम की एक चीज होती है जो CSS
कास्केड स्टाइल शीट्स की मदद से बनाई जाती है, तो वो आप तीन अलग अलग बना लोगे, एक मोबाइल फोन की बन जाएगी, एक टैबलेट की बन जाएगी, एक लैपटॉप और डेस्कटॉप की बन जाएगी। तो इस तरीके से आप XML का मेनली इस्तेमाल इसलिए ही करोगे ताकि आप डेटा को अलग कर सको और रिप्रेजेंटेशन को अलग कर सको, जो कि HTML में नहीं हो सकता। HTML में डेटा भी वही होता है और रिप्रेजेंटेशन भी वही होती है। तो अगर आपको तीन अलग अलग डिवाइसेस के लिए बनाना, तो आपको तीनों में ये मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, तीनों में डेटा दोबारा डालना पड़ेगा, तीनों में रिप्रेजेंटेशन की इंस्ट्रक्शन दोबारा डालनी पड़ेगी। जबकि XML में डेटा तीनों में कॉमन रहेगा, वो एक ही बार बनाना पड़ेगा, जबकि रिप्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन उसमें भी तीन बार बनेगी, जो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग होगी। तो ये है मेन मकसद XML का, कि इसमें हम डेटा को अलग अलग डिवाइसेस में रखना चाहते हैं, अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि डेटा कॉमन है तो बार बार उस पर काम नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसको इस टेक्निक से अलग से सेपरेट करना चाहते हैं कि वो सेम रहे, और उसे दिखाने के लिए एक एडिशनल चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम स्टाइल शीट कहते हैं, जो हम CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से बना सकते हैं। ये मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है आपको XML फाइल की। आपकी जब XML फाइल अगर आप देखोगे तो इस फॉर्म में होती है। यहाँ पे देखिए, बेसिकली हम एक हॉर्स रेस का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉर्स रेस, जिसमें देखिए डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है कि हॉर्स रेस जो है हम रेस करवा रहे हैं, और किस तारीख में वो रेस हुई है, उसके अलावा किस रेस का नाम क्या रखा गया वो मेंशन है, रेस के अंदर जो टैग हमने बनाए, ये सब खुद के बनाए हुए टैग हैं, खुद के बनाए हुए टैग हैं, इसलिए इन्हें यूज़र डिफाइंड टैग्स कहेंगे। जबकि जो मैंने आपको पी टैग दिखाया था वो बना बनाया था, यहाँ पे जो टैग है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हो। तो बेसिकली कोर्स यानी किस जगह पे वो रेस होगी, कोर्स टैग के अंदर दो चीज़ें आ गई, कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का एड्रेस क्या है। ऐसे ही हॉर्स टैग हो गया, हॉर्स टैग में हॉर्स का नाम क्या है, हॉर्स की कीमत क्या है, हॉर्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है, हॉर्स का जेंडर क्या है। तो इस तरीके से हम अलग अलग जानकारी को स्टोर कर रहे हैं। अब हॉर्स टैग बनाया गया हॉर्स की जानकारी को स्टोर करने के लिए, कोर्स टैग बनाया गया जहाँ पे रेस कंडक्ट होनी है उस जगह की जानकारी को स्टोर करने है, क्योंकि इन सबका लेना देना घोड़ों की रेस से, हॉर्स रेस से, इसलिए इन्हें रेस नाम के टैग के अंदर डाला गया। और ऊपर आप स्टार्टिंग में देख सकते हो XML की डिक्लेरेशन करी गई है बताने के लिए कि हम XML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं। ये सामने देखने पे जानकारी इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, इतनी यूजफुल नहीं लग रही, और कई लोगों को तो पढ़ के समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन जब ये स्टाइल शीट के साथ जब मिल जाता है, जब ये जुड़ जाता है CSS के साथ, कास्केडिंग स्टाइल शीट के साथ, तो आपको एक बकायदा पूरे सुंदर से वेब पेज के फॉर्म में दिखाई देगा। तो जो सुंदरता लाने का काम है वो CSS कर रहा है, यानी मेकअप आर्टिस्ट है बेसिकली, और मेकअप आर्टिस्ट के नाम से याद रख लेना। और जो असली कोई चीज़ है, यानी जो कीमती जानकारी है, ये जो डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, हॉर्स का नाम, हॉर्स की वैल्यू, ये जो डेटा है, ये डेटा स्टोर होता है हमारा XML में। और XML जब CSS के साथ मिलता है तो आपको एक नॉर्मल वेब पेज में, जैसे HTML का वेब पेज है वैसे वेब पेज के फॉर्म में डिस्प्ले किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है वो XML की समझ में आ गई होगी, अदरवाइज कॉमेंट सेक्शन है, उसमें आप लिख के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये HTML और XML का डिफरेंस भी मैंने बताया हुआ है। HTML में टैग्स जो है वो प्री डिफाइंड है, यानी पहले से बने बनाए हैं, जबकि XML के टैग्स हम खुद बनाते हैं अपनी मर्जी से, हम उनको नाम अपनी मर्जी का दे सकते हैं। यहाँ पे हर एक टैग का क्लोजिंग टैग होना ज़रूरी नहीं है। टैग को शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टैग है IMG इमेज लगाने के लिए, इसको सिर्फ ओपन करना पड़ता है, क्लोज नहीं करना पड़ता। उसके अलावा हमारे पास एक टैग है HR लाइन बनाने के लिए, इसको सिर्फ ओपन करना पड़ता है, क्लोज नहीं करना पड़ता। हाँ, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था P टैग का, उसमें दोनों ही चीज़ें थी, ओपनिंग और क्लोजिंग, लेकिन हर एक टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि XML में हर एक टैग को क्लोज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। इसमें जो टैग्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। आपने SQL पढ़ी है, SQL आपको पता है आप कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, आपको पाइथन पढ़ रखी है आपने, पाइथन केस सेंसिटिव है। तो एक किस्म से समझ लो ये SQL की तरह है, SQL की तरह, यानी इसमें कैपिटल स्मॉल का चक्कर नहीं है। और XML को आप मान लो पाइथन, पाइथन की तरह है, इसमें कैपिटल स्मॉल का चक्कर है। अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो कैपिटल में ही आगे लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल में ही आगे लिखना पड़ेगा। इसके डॉक्यूमेंट जो है वो सीधा के सीधा स्क्रीन पे, ब्राउजर पे दिखाए जा सकते हैं, उसमें कोई एडिशनल खिचड़ी पकाने का काम नहीं
नहीं करना पड़ता, जबकि इसके डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब तक आप स्टाइल शीट नहीं लगाओगे ये देखने लायक नहीं होगी। जैसे पीछे आ रही थी ये अजीब सी चीज़, ये दिखाई देगी, जब स्टाइल शीट लगाओगे तो ही ये ढंग का वेब पेज बनेगी। तो एक प्रॉपर स्टाइल शीट होनी चाहिए जो कि हमारे पास XML फाइल के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, तब जाके हम उसे नॉर्मल फॉर्म में दिखाने का काम कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट करता और डिस्प्ले करता है वेब पेजेस को, यानी वेब पेज में जानकारी कहाँ दिखनी है, कैसे दिखनी है, वो सब वेब पेज की जानकारी का काम हमारा HTML करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा है, डेटा को कैरी करना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, और उसकी डिस्क्रिप्शन को, उसका डिस्प्ले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए HTML में डिस्प्ले का लेना देना है, लेकिन XML में डिस्प्ले का कोई लेना देना नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है हमारा HTML और XML का, कि इसमें कोई डिस्प्ले की ज़रूरत, मतलब डिस्प्ले का पैटर्न अपने आप नहीं होता, डिस्प्ले के लिए हमारे को स्टाइल शीट बनानी पड़ती है। स्टाइल शीट बनाएंगे तब जाके डेटा को डिस्प्ले कर पाएंगे, अदरवाइज वो नॉर्मल फॉर्म में जैसे बाकी वेब पेज दिखते हैं वैसे आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसमें टैग्स बने बनाए हैं, इसमें टैग्स बनाने पड़ते हैं, इसमें हर एक टैग का क्लोजिंग नहीं है, लेकिन इसमें हर एक टैग को क्लोज करना पड़ता है। ये केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिखो, ये केस सेंसिटिव है, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखा जाएगा, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखा जाएगा। इसको डायरेक्टली हम ब्राउजर में देख सकते हैं, इसको बिना स्टाइल शीट से अटैच करे ब्राउजर में देखने का फायदा नहीं होगा। इसमें जानकारी और किस तरीके से उसे दिखाना है ये दोनों अवेलेबल होते हैं। इसका काम सिर्फ डेटा को कैरी करना है और उसकी डिस्क्रिप्शन को दिखाने का काम जो है वो स्टाइल शीट की जिम्मेदारी पे होता है। तो ये हमारा HTML और XML का डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है URL एंड डोमेन नेम। अब URL और डोमेन नेम क्या है और साथ क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। डोमेन नेम, जैसे सिंपली डोमेन भी कहते हैं, ये एक आसानी से याद रखने वाला नाम है जो किसी भी फिजिकल IP एड्रेस ऑन द इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब IP एड्रेस बेसिकली क्या होता है, आप इसे मान सकते हो अपने मोबाइल नंबर की तरह। जैसे आपके पास मोबाइल नंबर है और ये मोबाइल नंबर जो है वो यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में नंबर जो है वो और किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे ही जो भी कंप्यूटर हमारे इंटरनेट से जुड़ते हैं, जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, डेस्कटॉप, ये जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो इनको भी एक यूनिक एड्रेस मिलता है। वो यूनिक एड्रेस ताकि इन्हें नेटवर्क पे पहचान दी जा सके, ताकि बताया जा सके हम किस कंप्यूटर के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो वो जो यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उस यूनिक एड्रेस को IP एड्रेस कहते हैं। अभी IP एड्रेस की इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि IP एड्रेस अलग से टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं कवर करवाऊँगा। तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो जो आपके लिए फिलहाल एक्स्ट्रा की तरह है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेटवर्किंग में आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया बना सकती हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अवेलेबल होगा। फिलहाल आप इसे अपना क्लोज कोर्स का कंप्लीशन मानिए, सिलेबस का कंप्लीशन मानिए, लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मोस्ट वेलकम हो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए भी। तो इंटरनेट पर हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, उस यूनिक एड्रेस को IP एड्रेस कहते हैं, लेकिन ये IP एड्रेस एक मोबाइल नंबर की तरह है। मुझे खुद सोच के बताओ, तो चलो अपने पापा का, अपनी मम्मी का, या मान लो कोई बेस्ट फ्रेंड है उसका मोबाइल नंबर आपको याद होगा, बाकी और कितने मोबाइल नंबर याद है, मुश्किल है। हम लोगों के लिए नंबर याद करना कहाँ आसान है। तो आप लोग क्या करते हो, आप मोबाइल फ़ोन में फीड कर लेते हो नंबर को, लेकिन किसके साथ, नाम के साथ, और नाम के बेस पर आप उसे ढूंढ लेते हो। तो ऐसे ही हम नंबर याद नहीं कर सकते, हम नाम याद कर सकते हैं। तो डोमेन नेम बेसिकली नाम है जो कि इस IP एड्रेस के बदले दिया गया है उन रिसोर्सेज को जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ये यूनिक नेम है जो वेबसाइट को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी गूगल की वेबसाइट है जिसके लिए आप लिखते हो www.google.com, तो आपको ये नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए फेसबुक है तो www.facebook.com। तो इन वेबसाइट्स के नाम हैं जिनकी मदद से हम इन्हें इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और आप ऐसे 50 वेबसाइट के नाम मुझे गिनवा भी सकते हो। लेकिन अगर मान लो गूगल को इस्तेमाल करने के लिए आपको लिखना पड़ता 192.206.37.22,
तो ये नंबर आपको ऐसे कितनी वेबसाइट के याद होते हैं, एक का हो जाता, दो का हो जाता, कितने याद कर लेते हैं, मुश्किल है। तो ये आईपी एड्रेस है जो कि हमारे लिए याद रखना मुश्किल है, इसलिए इन आईपी एड्रेसेस को एक नाम दिया गया है और वो नाम जो है वो बेसिकली डोमेन नेम है और ये भी यूनिक होता है हर वेबसाइट के लिए, क्योंकि अगर ये सेम होगा हम नाम लिखेंगे तो उनमें से कौन सी वेबसाइट सामने आएगी, तो वो एक ही वेबसाइट होनी चाहिए जिसका यह नाम है। जैसे हमारी ईमेल आईडी भी यूनिक होती है, उसी ईमेल आईडी से और किसी का अकाउंट नहीं हो सकता, ऐसे भी ये हमारे डोमेन नेम जो है वो यूनिक होते हैं, उस नाम से कोई और वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब डोमेन नेम के अंदर या डोमेन नेम जिस चीज का पार्ट है, डोमेन नेम खुद जिस चीज का पार्ट है वो कहलाता है हमारा यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि बताता है लोकेशन और मैकेनिज्म यानी तरीका कैसे किसी रिसोर्स को एक्सेस किया जाएगा, यानी इंटरनेट पे जो भी चीजें, चाहे वो कोई फाइल है, चाहे वो कोई वीडियो है, चाहे वो कोई गेम है, चाहे वो कोई वेब पेज या वेबसाइट है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए, तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज ये समझ लो कि स्पेस में आपको छोड़ दिया, जहाँ पे आपके दाएं बाएं इतनी सारी चीज़ें, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि जाना कहाँ है, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रखा। ऐसे ही इंटरनेट पे वेब पेजेस करोड़ों की तादाद में, लेकिन अगर आपके पास उसका कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होगा तो आप उन तक पहुंचने का काम नहीं कर सकते। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारे को लोकेशन देता है प्लस तरीका देता है कैसे हम इंटरनेट पे पड़ी हुई रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूआरएल को बेसिकली वेब एड्रेस भी कहा जाता है, वेब यानी कि इंटरनेट पे अवेलेबल सर्विसेज और उनको इस्तेमाल करने के लिए उनका पता, तो इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। और डोमेन नेम हिस्सा है यूआरएल का, यूआरएल के अंदर जो चीज है वो डोमेन नेम भी इस्तेमाल करी जाती है। यहाँ पे उसकी और जानकारी है, यूआरएल इज नॉट ओनली द डोमेन नेम बट कंटेन अदर इंफॉर्मेशन। यूआरएल में सिर्फ डोमेन नेम नहीं होता, डोमेन नेम के अलावा उसमें और भी जानकारी होती है और वो जानकारी मिलाकर उसे एक कंप्लीट वेब एड्रेस बनाती है। वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं एक सेकंड लेबलिंग के लिए, ये जो HTTP लिखा है आप जानते हैं, HTTP को कहा जाता है प्रोटोकॉल, तो ये बेसिकली हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का नाम है, इसकी जगह HTTP S भी हो सकता था, इसकी जगह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हो सकता था, इसकी जगह टेलनेट भी हो सकता था। और यहाँ पे जो www लिखा है, ये www बेसिकली कहलाता है हमारा सब डोमेन, ये बताता है कि हमारी सर्विसेज कहाँ पर अवेलेबल है, हमारी जो सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हमारे पास जो डोमेन नेम है वो डोमेन नेम हमारा है ncrt.nic.in, तो ncrt.nic.in हमारा डोमेन है। तो डोमेन एक हिस्सा है जिसकी जो URL के अंदर आता है, पूरे URL के अंदर डोमेन बेसिकली वेबसाइट का नाम है, जो कि बता रहे हैं कि हमारे को पूरे इतने सारे ज्ञान के समुद्र में से कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना है वो हम डोमेन की मदद से बताते हैं। तो डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है और ये URL का पार्ट होता है। तो ये तीन चीज़ें हमने देख ली, एक तो प्रोटोकॉल हो गया, www हमारा सब डोमेन हो गया, ncrt.nic.in हमारे लिए डोमेन का नाम हो गया। अब ये जो /textbook/textbook.html है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारी वेब रिसोर्स है, ये वो चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वेब रिसोर्स, ये वो जानकारी है जो जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा एड्रेस HTTP से लेके HTML तक, ये पूरा का पूरा एड्रेस कहलाता है URL, लेकिन इसमें जो वेबसाइट का नाम है, जो मेन नाम है, वो आपका इतना ही है ncrt.nic.in, और इसी वेबसाइट के नाम को डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। ये कंपलसरी नहीं है आज के टाइम में कि आप ये HTTP प्रोटोकॉल लिखो और www. लिखो, आप सीधा ncrt.nic.in लिख दो, क्रोम में लिख दो, किसी और ब्राउजर में लिख दो, वो अपने आप इस चीज़ को लगा के आपको दिखाने का काम कर देता है। मैं आपके सामने एक डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, होपफुली इंटरनेट चल रहा होगा मेरा। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ और देखिए मैं लिख रहा हूँ google.com, मैंने आगे कोई HTTP कुछ नहीं लगाया, बस ये लिख के एंटर हिट कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखें, फिलहाल इसमें नहीं लिखा हुआ आ रहा है, इसके आगे इन्होंने HTTP और ये नहीं लगाया। चलिए कोई और वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ले लेते हैं फेसबुक, फेसबुक का अकाउंट खुल जाएगा मेरा तो चलिए उसकी जगह कुछ और करके देखते हैं, जैसे विकिपीडिया। ओके,
विकिपीडिया लिखा मैंने और यहां पर मैंने इसे क्लिक करा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है EN। खैर इसमें भी अब HTTP और ये सब इन्होंने दिखाना छोड़ दिया, ये दिखा रहे हैं कंटेंट सिक्योर्ड है, इसमें बेसिकली HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। HTTPS प्रोटोकॉल जो है हमारा फेवरेबल प्रोटोकॉल है। कोई और ब्राउजर का यूज करके आपको डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है मेरे पास और ब्राउजर भी अवेलेबल होंगे। देखते हैं मोजिला, हाँ मोजिला है, तो इसमें एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ये वाला कि क्या सिर्फ नाम लिखने से बाकी की चीज़ें अपने आप लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन गूगल ही ओपन करता हूँ, google.com, और ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे https://www, लेकिन ये ग्रे में है, ग्रे में यानी ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अपने आप लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि अब ब्राउजर्स में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्राउजर से अपने आप लगा देते हैं, और क्रोम जैसा ब्राउजर तो है वो उसे दिखा भी नहीं रहा, वो कह रहा है इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आज के टाइम में जरूरी नहीं है कि आप प्रोटोकॉल और सब डोमेन लिखो URL के अंदर, वो ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसमें लगाने का काम कर देता है। तो ये हमारा डोमेन है, ये हमारा URL है। आप कोई भी स्पेशल आर्टिकल आपको पसंद आता है और वो आर्टिकल आप टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पढ़ रहे हो और वो कहीं अंदर जाके आपको वो आर्टिकल मिला है, अब वो आर्टिकल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, आज के टाइम में तो बहुत आसान है, नीचे शेयर का बटन होता है, आपने उस पर क्लिक कर दिया, वो शेयर के लिए आपको एक लिंक दे देता है, जिसे हम लिंक कहते हैं ना, उसी लिंक को बेसिकली URL कहा जाता है। जैसे हम मोबाइल में लिंक कहते हैं, दैट लिंक इज बेसिकली इक्वलेंट टू URL, यानी उसकी पूरी की पूरी लोकेशन जिसको हम डायरेक्टली एंटर करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने का काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा डोमेन उस लिंक के अंदर, उस URL के अंदर हमारी वेबसाइट का नाम है, और ये नाम इसलिए है क्योंकि हम वो वेबसाइट्स को IP एड्रेस के नाम से इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको IP एड्रेस भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगेन मोजिला पे ही चलते हैं और मोजिला को ओपन करा मैंने, और आपको किसी वेबसाइट का, पॉपुलर वेबसाइट का IP एड्रेस दिखाता हूँ मैं। IP एड्रेस ऑफ गूगल इंडिया, और ये हमारे पास ये आ रहा है 888। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको टाइप कर देता हूँ और मैं एंटर हिट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ये लिखा आ गया कि ये गूगल का DNS सर्वर है, ये गूगल का DNS सर्वर है, लेकिन इसकी जगह हम कोई और वेबसाइट एक्सेस करते हैं जिसमें हम उसका IP एड्रेस देख सकें और डायरेक्टली उस वेबसाइट को खोलने का काम कर सकें। तो चलिए देखते हैं IP एड्रेस ऑफ सम वेबसाइट्स कर लेते हैं। चलिए देखें हमारे को क्विक वे टू फाइंड, नहीं हमने ये नहीं करना, फाइंड IP एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट, चलिए इसे छोड़िए, हम वैसे ये तरीका देखते हैं, एक सेकेंड, कि उन्होंने बता रखा है कि क्या तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी वेबसाइट का IP एड्रेस देख सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट। लेकिन इस साइट पर डेटा जो है वो कहा जा रहा है अनसेफ है, तो इसलिए ब्लॉक करा जा रहा है इसे, तो हम इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं कोई और साइट जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो वर्किंग IP एड्रेस ऑफ पॉपुलर वेबसाइट। कुछ IP एड्रेस हमारे पास जैसे कि ये दे रखा है वेबसाइट फोन बुक का, कुछ इन्होंने एग्जाम्पल अगर दे रखे हो, ये गूगल का IP एड्रेस दे रखा है, एक बार ये टाइप करके देखते हैं 142, डायरेक्टली टाइप कर रहा हूँ इसे 142 डॉट, देखते हैं आगे क्या है, 250 250 डॉट और 217 और 78, 217 डॉट
.78। देखिए मैंने नंबर लिखा, मैंने कोई वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, मैं ऐसे लिख के एंटर हिट कर रहा हूँ और आपके सामने गूगल आ गया। यानी हर एक वेबसाइट का एक नंबर होता है और वो नंबर आईपी एड्रेस है, लेकिन ऐसे कितने एड्रेस याद कर लोगे, आपके लिए आसान नहीं है। अब जैसे यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब का नंबर है 216 और 58। चलिए टाइप करके देखते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट हमारे को करने को मिलेगा, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। .58.206238 डायरेक्टली एंटर हिट करा और हमारे सामने अभी भी गूगल ही आ रहा है, गूगल का प्रोडक्ट ही है ये, लेकिन इन केसेस में हमारे सामने गूगल ही ओपन होके आ रहा है। चलिए फेसबुक तो नहीं, याहू सर्च ट्राई करके देख लेते हैं। 198.134138 नहीं, ये डायरेक्टली, हाँ सही है, ये काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम याहू के सर्च इंजन पे पहुँच चुके हैं। तो यस, पॉइंट इज प्रूव्ड। आप इन आईपी एड्रेसेस, जो बेसिकली वेबसाइट के नाम की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ एक गेम खेल सकते हैं। देख, मैं नंबर लिखूंगा और जादू से वेबसाइट खुल जाएगी, तो आप ये नंबर डाल के उसे दिखा सकते हो कि हाँ देख कैसे वेबसाइट ओपन करी जा सकती है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ आईपी एड्रेस। हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है, लेकिन वो याद रखना पॉसिबल नहीं है। देखो वो तो नंबर थे, मुझे तो देख देख के लिखना पड़ रहा था उसे, मुझे तो एक बार में वो सारे नंबर एक साथ याद नहीं हो रहे थे। लेकिन हम उन नंबरों को याद नहीं कर सकते, इसलिए उन वेबसाइट्स को एक मीनिंगफुल नाम दे दिया गया, ताकि आप उस नाम की मदद से उनका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सके। तो ये हमारा यूआरएल और डोमेन था, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन कर रखी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में एक और जानकारी है। ये जो HTTP है बेसिकली हमारा प्रोटोकॉल है, WWW हमारा सब डोमेन है, गूगल हमारे लिए डोमेन का नाम है नहीं वेबसाइट का नाम है, और .com हमारे लिए टॉप लेवल डोमेन है। ये टॉप लेवल डोमेन हमारा .co.in भी हो सकता था, यानी कंट्री इंडिया। ये डोमेन नेम .. हमारा .edu भी हो सकता था, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये हमारा .org भी हो सकता था, यानी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये .mil भी हो सकता था, यानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये .nic.in NIC आपको पता है हमारी CBSC की वेबसाइट www.cbsc.nic.in, लेकिन अब उसकी जगह वो .gov यानी कि गवर्नमेंट हो चुकी है। तो इस तरीके ये जो बाद में डॉट लगते हैं, ये हमारे टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। खैर इनके बारे में ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करूँगा, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बेसिकली कंटेन कर रही है इंफॉर्मेशन, नॉर्मल जानकारी, जो कि बहुत सारे पेजेस में डिवाइडेड है, लेकिन उसे एक प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे हमने देखा गूगल की वेबसाइट है, फेसबुक की वेबसाइट है, तो इसमें बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, और इस जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट का URL डालते हैं, और उस वेबसाइट पर पहुँच के आप उस पर पड़ी हुई जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस से, जैसे Amazon Flipkart का मेन पर्पस है सेलिंग। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, Amazon और Flipkart का जो मेन काम है वो सेलिंग का है, ई कॉमर्स वेबसाइट है वो हमारी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की, जैसे TOI नाम से वो फेमस है, इसका मेन काम है न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। उसके अलावा फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो उसका काम है सोशल मीडिया, लोगों के बीच में लिंक क्रिएट करना, उन्हें आपस में कनेक्टेड रखना। तो हर एक वेबसाइट जो है वो किसी टारगेट को, किसी एक पर्पस को ध्यान में रख के बनाई जाती है, कोई एक थीम ध्यान में रखी जाती है, ताकि आपको वो सर्विस उसके ज़रिए प्रोवाइड कराई जा सके। वेबसाइट, जिसे नॉर्मल शब्दों में साइट भी बुलाया जाता है, कलेक्शन है किसकी? बहुत सारे वेब पेजेस की, जो रिलेटेड है आपस में, जुड़े हुए आपस में, और उन्हें जोड़ने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है वो चीज़ है हाइपरलिंक। और ये सब वेब पेजेस कहाँ पड़े हैं? ये सब वेब पेजेस हमारे सर्वर पे पड़े हैं। सर्वर जो है वो 24 घंटे और
सातों दिन हफ्ते में ऑन रहते हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, ताकि ये जानकारी जब जिसको चाहिए उसको वो जानकारी जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस तरीके से हमारे वेबसाइट जो कि बहुत सारे वेब पेजेस की कलेक्शन है, आपस में हाइपर लिंक की मदद से जुड़े हुए हैं, ये पेजेस हमारे सर्वर पर पड़े हुए हैं ताकि ये जानकारी कहीं से भी हम ले सकें। और जानकारी लेने के लिए आपको पता होना चाहिए वेबसाइट का URL, जब URL पता होगा, IP एड्रेस तो मैं कह ही नहीं रहा आपको पता करने के लिए, क्योंकि वो याद ही नहीं रहने का। तो अगर आपको URL याद होगा तो आप URL की मदद से वेबसाइट पे पहुंच सकते हो, जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो विजिटर है वो एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है हाइपर लिंक क्लिक करके। अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, हाइपर लिंक का ही दिखा देता हूँ, हाइपर लिंक के बारे में इतनी बात हुई है। तो मोजिला ही खोल लेते हैं हम अपना। मोजिला ओपन किया, यहाँ पे जैसे हाइपर लिंक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा गूगल, ये तो बेसिकली हमारा URL है, तो ये URL है जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब हाइपर लिंक अब देखना, ये सब हाइपर लिंक ही है वैसे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक तो ब्लू कलर का है, अंडरलाइन हो गया, हमारा कर्सर चेंज हो रहा है और हैंड शेप में आ गया। चलिए इसकी जगह मैं महात्मा गांधी जी के बारे में सर्च करना चाहता हूँ, मैंने महात्मा गांधी लिखा है यहाँ पे। तो ये जो मेरे सामने लिंक्स आ रहे हैं ये सब हाइपर लिंक है, ब्लू कलर का टेक्स्ट है और एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, विकिपीडिया का महात्मा गांधी का पेज हमारे सामने ओपन हो गया जाएगा। इतने सारे लिंक्स इसके अंदर और दे रखे हैं, महात्मा गांधी की फोटो भी दिखा रखी है यहाँ पे। और ये बेसिकली वेबसाइट है, विकिपीडिया की वेबसाइट है, आपके सामने विकिपीडिया की वेबसाइट का पेज आ रहा है और इतने सारे हाइपर लिंक है। जैसे आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आपने इस हाइपर लिंक पर क्लिक किया, या आपको उसी वेबसाइट में नीचे की तरफ ले गया उनके बारे में और जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। और अगर हम विकिपीडिया के स्टार्टिंग पेज पे जाना चाहते हैं, उसके होम पेज पे जाना चाहते हैं, हमने उसके लोगो पे क्लिक किया और ये देखिए विकिपीडिया का फ्रंट पेज ओपन हो गया, उसका मेन पेज ओपन हो गया। तो इस तरीके से ये वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस जो है वो जुड़े हुए हैं, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो विजिटर जो है वो नेविगेट करता है एक पेज से दूसरे पेज पे और उसके लिए वो हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकता है। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमारे को टाइप करना पड़ता है एड्रेस वेबसाइट का, यानी जो URL भी कहलाता है एड्रेस बार में, जैसे मैंने www.google.com टाइप किया था। और ये एड्रेस बार किसका होगा? ब्राउजर का होगा। और ये एड्रेस लिखने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे कि हमने अभी अभी आपके सामने मोजिला खोला था और मोजिला में मैंने ये www.google.com टाइप करा था, उसके बाद मैंने एंटर हिट करा था और मेरे सामने गूगल का वेब पेज आ गया था जहां पर मैंने महात्मा गांधी की जानकारी को सर्च करा था। वेबसाइट खुलते ही वेबसाइट का फर्स्ट पेज सामने आता है और उस फर्स्ट पेज को कहा जाता है होम पेज। होम पेज के बारे में यहां जानकारी दे रहा हूं, इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट। हर एक वेबसाइट का एक फर्स्ट पेज होगा और वो पेज बेसिकली होम पेज कहलाता है। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, वेबसाइट जो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें ईमेल की फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है, उसके अंदर फोटोज़ डिस्प्ले हो सकती है, जैसे महात्मा गांधी की फ़ोटो आ रही थी, उसमें वीडियोज़ हो सकती है जैसे हमारे यूट्यूब पे आती है, उसमें फेसबुक की अटैचमेंट हो सकती है ताकि आप उनके साथ शेयरिंग करने का काम कर सकते हो, उसके साथ पेपाल हो सकता है ताकि आप कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहो तो वो कर सकते हो, उसके अंदर एडोब का रीडर हो सकता है, एक्रोबैट रीडर हो सकता है, जिससे आप PDF फाइल्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का काम कर सको। तो वेबसाइट कई सारी रिसोर्सेज का कलेक्शन हो सकता है, सिर्फ इतना है कि वो रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर पे होनी ज़रूरी नहीं है, वो रिसोर्सेज पड़ी हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो पड़ा है हमारा सर्वर पे, और सर्वर से जुड़ने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट से जुड़ेंगे तो हम सर्वर तक पहुँच सकते हैं URL डाल के, और सर्वर पर पहुँचने के बाद हम किसी भी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर की जो फैसिलिटीज है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये बेसिकली वेबसाइट है जो कि बहुत सारे वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, वेब पेजेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जुड़ने के लिए उन्हें हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं, और वेबसाइट का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे को उसका URL यानी वेबसाइट का एड्रेस पता होना चाहिए। ये एड्रेस हम एड्रेस बार में टाइप करेंगे ब्राउजर के, एंटर हिट करेंगे और वेबसाइट हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे, वेब ब्राउजर के बारे में बात करते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है? वो सॉफ्टवेयर है
जिसकी मदद से आप वेब पेजेस देख सकते हो। ये देखो हमारे कुछ कॉमनली यूज ब्राउजर्स हैं, आप इनमें से कोई ना कोई तो शायद यूज करते होंगे। वैसे इसके अलावा और 50 ब्राउजर बहुत है अवेलेबल। मोजिला है, अभी मैंने ही खुद इसका इस्तेमाल किया था। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट का एज नाम का ब्राउजर आ चुका है, अब इसका इस्तेमाल इतना नहीं होता इंटरनेट एक्सप्लोरर का। गूगल का क्रोम है, बहुत फेमस है। ओपेरा हो गया, एप्पल वालों का सफारी हो गया, ब्रेव भी है, और उसके अलावा टॉर भी है, और भी बहुत सारे ब्राउजर है जो आप लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते होंगे। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों करना चाहते हैं भाई? इसलिए करना चाहते हैं ताकि इंटरनेट से कनेक्ट होकर हम वेब पेजेस को देख सकें। यह हमारे को मदद करता है जानकारी दिखाने में और जानकारी को सर्वर से लाने में। जानकारी वेब सर्वर पर पड़ी है, हमें वेब सर्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, जुड़ने के लिए हम इंटरनेट की सहायता लेंगे, लेकिन वहां से जो जानकारी आएगी वो हम देखेंगे कैसे? वो जानकारी हमें जहां दिखाई देगी वो जगह बेसिकली हमारी वेब ब्राउजर कहलाएगी। तो जानकारी को देखने के लिए हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कॉमनली यूज वेब ब्राउजर्स हमारे हैं, जैसे गूगल का क्रोम हो गया, इंटरनेट का एक्सप्लोरर या एज हो गया, मोजिला का फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, और मैंने दो नाम यहां पे लिखी दिए, ब्रेव, टॉर एक्सेट्रा। तो वेब ब्राउजर बेसिकली डिस्प्ले करता है हमारे को HTML डॉक्यूमेंट। मैंने बताया था वेब पेज जो बनता है, वेब पेज बनाने के लिए आपको, सॉरी ये बी कम लग रहा है, बी ज्यादा लग रहा है, तो इसे बी मान लीजिए फिलहाल आप। तो वेब पेज जो बनता है वो बनता है HTML से, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। और HTML में जानकारी है कि क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। तो HTML डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो वीडियो सब हो सकता है, उसके अलावा हाइपरलिंक तो होंगे ही, ताकि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने का काम किया जा सके, ताकि वो नेविगेट करे आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज से। तो वेब ब्राउजर HTML को दिखाने की क्षमता रखता है, HTML से बनता है वेब पेज। वेब पेज के अंदर जानकारी होती है, जानकारी नॉर्मल रिटन मैटर हो सकती है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, हाइपरलिंक हो सकता है, और जिसकी मदद से, हाइपरलिंक की मदद से आप एक वेब पेज से या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने का काम कर सकते हैं। जैसे कि हम गूगल से विकिपीडिया पे गए थे तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने का काम हुआ था। और विकिपीडिया में जब महात्मा गांधी का पेज खुला हुआ था उसमें हमने एक ऑप्शन पे क्लिक किया था तो वो विकिपीडिया के ही वेबसाइट पे उसी पेज पे हमें दूसरी लोकेशन पे लेके आ गया था। तो सेम वेबसाइट पे भी ले जा सकता है, दूसरी वेबसाइट पे भी ले जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस चीज़ का एड्रेस पड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है भाई? वेब सर्वर का नाम बहुत बार आया कि वेब सर्वर में ये है, वेब सर्वर में वो है। तो वेब सर्वर है क्या? तो बेसिकली वेब सर्वर एक किस्म से कंप्यूटर ही है, एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रैम होती है और काफ़ी ज़्यादा बेसिकली उसकी प्रोसेसिंग पावर होती है। रैम और प्रोसेसर और स्टोरेज, तो खास तौर पे भाई स्टोरेज कम होगी तो डेटा कैसे रखेगा अपने पास। तो ये बहुत हैवी ड्यूटी हो सकती है, टू हाई कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन की होती है ये सब चीज़ें इसके अंदर। तो वेब सर्वर स्टोर करता है और डिलीवर करता है हमारे को कंटेंट वेबसाइट्स के फॉर्म में। हम कौन है? हम क्लाइंट्स हैं, और हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्राउज़र। और हम ब्राउज़र की मदद से अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये हमारा कंप्यूटर है और हमने इंटरनेट खोला। इंटरनेट खोलने के बाद, इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद हमने अपने ब्राउज़र को खोला। मान लो हमने गूगल क्रोम को ओपन कर दिया, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हमने उसके एड्रेस बार में टाइप किया सपोज़ यही google.com। ये हमने बेसिकली क्या करी, हमने एक रिक्वेस्ट भेजी। ये रिक्वेस्ट गई हमारे ISP के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जिसने हमें इंटरनेट दिया है। फिर ISP इस जानकारी को, इस रिक्वेस्ट को भेजेगा सर्वर के पास। सर्वर अपने पेज में, अपने पास इस पेज को ढूंढेगा कि मेरे पास अवेलेबल है, फिर ये से वापस भेजेगा। वापस भेजने को कहेंगे हम रिस्पांस। तो रिस्पांस के बदले हमारे को ये वापस मिलता है, और फिर ये वापस हमारी स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो हम ये कंप्यूटर है, हम ये कंप्यूटर यानी कि हम क्लाइंट है जहाँ पे जानकारी को
देखा जाता है। तो हम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एड्रेस लिखने के बाद, और वेब सर्वर जहां पे वो जानकारी स्टोर्ड है वो जानकारी हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर दी जाती है। वेब सर्वर जो है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वेब सर्वर हार्डवेयर भी हो सकता है, और वेब सर्वर कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म में जब होता है तो वो स्टोर करता है वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के कंटेंट, जैसे कि HTML के पेजेस, इमेजेस, स्टाइल शीट, जिसकी मदद से जानकारी को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया जा सकता है। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट फाइल्स, जो कि बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वेब पेजेस में कई बार प्रोग्रामिंग होती है, बहुत छोटे छोटे गेम्स खेल सकते हो उसके अंदर, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए, क्योंकि HTML से प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्वर बेसिकली कनेक्ट होता है इंटरनेट से, हर समय कनेक्टेड रहता है, ताकि जो उसके अंदर जानकारी पड़ी, उसके अंदर जो कंटेंट पड़ा है, उसे दुनिया को एक्सेस करवाया जा सके, उसे दुनिया को हर समय 24 घंटे और सातों दिन अवेलेबल करवा सके। इसलिए हमारे वेब सर्वर हर समय इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। वेब सर्वर हार्डवेयर के फॉर्म में होगा तो उसके अंदर वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर होंगे और वेबसाइट होगी, और हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, उसके अंदर वो मैटर होता है जो कि क्लाइंट मांग रहे हैं और ब्राउजर की मदद से मांग रहे हैं, और वो जानकारी हम उनको डिस्प्ले करवाते हैं। वेब सर्वर अगर सॉफ्टवेयर है तो एक स्पेशलाइज प्रोग्राम होगा जो कि URLs को समझेगा, वेब एड्रेसेस को समझेगा, उन रिक्वेस्ट को समझेगा जो ब्राउजर से आ रही है, और बदले में रिस्पॉन्स देगा। अब आप कहोगे, सर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है? तो देखो जी, एक बात आपको समझाना चाहूँगा, वैसे तो सिलेबस की नहीं है, लेकिन फिर भी जब बात हो रही है तो बता ही देता हूँ आपको। मान लो वेबसाइट जब बन रही है, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको सीधा सर्वर पे सारा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। वेबसाइट बनाने का जो इनिशियल प्रोसेस होता है वो हम अपने खुद के कंप्यूटर पे करते हैं, लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट बना रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि वो सर्वर पे कैसे चलेगा, सर्वर पे जब रन होता है तो कैसे दिखाई देगा, तो हम वेबसाइट में को अपने कंप्यूटर पे आर ओन कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर की मदद से सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने खुद के कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारा कंप्यूटर डुअल रोल प्ले करेगा, हमारा कंप्यूटर क्लाइंट भी होगा जिसमें हम ब्राउजर ओपन करके जानकारी मांग रहे होंगे, और हमारे कंप्यूटर के अंदर का जो सर्वर है, जो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में अवेलेबल है, वो हमें जानकारी देने का काम करेगा। तो हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसे पूरा फाइनल करने से पहले अपने कंप्यूटर पर बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, उस दौरान अगर आपको सर्वर चाहिए तो आप सॉफ्टवेयर के फॉर्म में सर्वर को डाल सकते हो। सर्वर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे IIP सर्वर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अलावा अपाचे का सर्वर होता है, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सर्वर प्रोवाइड करती हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हमारे को। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेब सर्वर अगर सॉफ्टवेयर है तो एक स्पेशलाइज प्रोग्राम है जो कि URL और एड्रेसेस को समझेगा, रिक्वेस्ट लेगा ब्राउजर से और रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब तक आप वेबसाइट पूरी नहीं बना लेते तो आप अपने कंप्यूटर पर ही उसे सर्वर बना के टेस्ट कर सकते हो, और जब पूरा फाइनल हो जाए तब आप उसे सर्वर पर अपलोड कर दोगे। उस अपलोडिंग के बारे में आज ही आपको लास्ट टॉपिक में कवर करवाऊंगा। तो सर्वर जो है उसका एक यूनिक डोमेन नेम होता है ताकि उसे एक्सेस किया जा सकता है कहीं से भी, और उस डोमेन नेम की मदद से उसका यूज हो पाएगा। तो वेब सर्वर का IP एड्रेस भी होता है, डोमेन नेम भी होता है, और इस नेम की मदद से पूरी दुनिया में से उसे कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो वेब ब्राउजर होता है वो बेसिकली क्लाइंट कंप्यूटर है जो कि रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो कि HTTP रिक्वेस्ट होती है। किस चीज की रिक्वेस्ट है? पेज देखने की रिक्वेस्ट है, ताकि हमारे को डिजायर्ड डेटा और सर्विस मिल सके। जैसे हम जीमेल में ईमेल की सर्विस लेना चाहते हैं तो हम जीमेल नाम का जो है वो URL लिखते हैं, और URL लिखने के बाद ये हमारे को जीमेल के सर्वर पे ले जाता है, और फिर हम वहां से अपने ईमेल्स को पढ़ने का काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा वेब सर्वर था। थोड़ी सी जानकारी और बची है इसकी। वेब सर्वर एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है यानी समझता है, सर्च करता है, ढूंढता है, और रिस्पॉन्ड करता है जो HTTP रिस्पॉन्स है। क्लाइंट ने तो रिक्वेस्ट भेजी, अब HTTP की जिम्मेदारी है, सॉरी सर्वर की जिम्मेदारी है उस रिक्वेस्ट को ले, उस रिक्वेस्ट को समझे, उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग जो भी ढूंढने वाला काम है वो करे, और बदले में हमें जवाब दे, रिस्पॉन्स दे, ताकि जो रिक्वेस्ट वेब क्लाइंट ने करी है ब्राउजर की मदद से उसका जवाब उसको दिया जा सके। तो रिक्वेस्टेड वेब पेज डिस्प्ले कर दिया जाता है ब्राउजर पे जो क्लाइंट कंप्यूटर में खुला हुआ है।
अगर सर्वर को पेज नहीं मिल पा रहा, अगर हमें कोई उल्टा सीधा नाम लिख रहे हैं या वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस नाम से कोई वेबसाइट ही नहीं है, तो सर्वर उस पेज को नहीं ढूंढ पाएगा, और जब नहीं ढूंढ पाएगा तो उसमें एक एरर मैसेज आएगा। एरर इस तरीके का आता है, आप लोगों को भी कभी ना कभी एरर मिला ही होगा, 404 पेज नॉट फाउंड, यानी जब हमारे को सर्वर पे हमने रिक्वेस्ट भेजी लेकिन सर्वर उसका जवाब नहीं दे पा रहा, या सर्वर को लग रहा है भाई इस नाम से कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो एक एरर मैसेज दे देगा। एरर का नंबर होता है 404 और मैसेज आता है पेज नॉट फाउंड, यानी इस तरीके के रिसोर्स वेब सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, और ये भी हमारे को क्लाइंट ब्राउजर पे डिस्प्ले करा दिया जाता है। तो ये वेब सर्वर की बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है और बहुत सरल शब्दों में दी। अगर आपको समझ में आई है तो एक लाइक जरूर मार दीजिएगा वीडियो को, शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा आप कॉमेंट में भी लिख के बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, क्या एक्सप्लेनेशन में कोई चेंजेस चाहिए या एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती है, तो इसके बारे में प्लीज कॉमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आपके सुझावों को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं और उसके रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो जरूर उठाऊंगा मैं। ये एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करा जा रहा है, रीडेबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं है। ये आपके कंप्यूटर का ब्राउजर है जो रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर के पास, तो ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें मैं रेड पेन यूज कर लेता हूं, और मान लीजिए हमने क्रोम का इस्तेमाल करा और क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करके हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास गई है। भाई साहब सर्वर है बड़े खतरनाक से दिखाई दे रहे हैं। वेब सर्वर ने हमारी रिक्वेस्ट को रिसीव करने का काम किया, उसने कहा ठीक है आ गई तेरी रिक्वेस्ट, अब मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वेब सर्वर ने उस चीज़ को ढूंढा, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और बदले में हमारे को रिस्पॉन्स दिया हमारी रिक्वेस्ट का, और वो हमारे को एक पेज के फॉर्म में, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन ब्लैंक है और यहाँ पे हमारे को वेबसाइट दिखाई जा रही है, आउटपुट दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा सर्वर काम करता है हमारे ब्राउजर पे जानकारी भेजने का। तो ये वेब सर्वर है जहां पे जानकारी अवेलेबल होती है और ये जानकारी हमारी रिक्वेस्ट के हिसाब से हमारे को रिस्पांस के फॉर्म में अवेलेबल करवाई जाती है। ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक फाइनली सिलेबस क्लास 12th कंप्यूटर साइंस दी एंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को भी और मेरे को भी। मेरे को इसलिए क्योंकि मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, फेब मंथ में ही कंप्लीट हो रहा है, अभी आपके पास 2 महीने हैं, मार्च भी अप्रैल भी आराम से बैठ के रिवीजन करना, और रिवीजन की भी वीडियोस आएंगी, चिंता मत करो। चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल को शेयर करते रहो, आपके साथ हम भी आपकी और मदद करते रहेंगे। तो वेब होस्टिंग बेसिकली क्या है, हमने जो वेब पेजेस बनाए, भाई देखो हमने पेज बनाए HTML के पेज बनाए, ये मान लीजिए मैं वेब डेवलपर हूँ, अभी पूरा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ टाइम में जब पूरा प्रोफेशनल हो जाऊंगा तो मैं भी वेबसाइट बना के डालूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो चिंता मत कीजिए। तो ये हमारा कंप्यूटर है, हमने इसमें HTML का इस्तेमाल करके वेबसाइट बनाई, लेकिन ये वेबसाइट तो मेरे कंप्यूटर में है, ये आप लोग कैसे देखेंगे, आप लोगों को तो ये जानकारी मिल नहीं पाएगी, आप लोग मेरे कंप्यूटर के साथ थोड़ी जुड़े हुए हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जानकारी को अपने कंप्यूटर से सर्वर्स में अपलोड कर दूंगा, मैं जानकारी अपने कंप्यूटर से सर्वर पे अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम अपने कंप्यूटर पे पड़ी हुई जानकारी को सर्वर पे अपलोड कर देते हैं ताकि पूरी दुनिया उस वेबसाइट को देख सके, पूरी दुनिया उस वेबसाइट का बेनिफिट ले सके, उस प्रोसेस को, उस सर्विस को वेब होस्टिंग कहा जाता है। यानी वेबसाइट आपके कंप्यूटर से निकल के सर्वर पे आ गई, उसे अपलोड कर दिया ताकि पूरा वर्ल्ड उसे व्यू कर सके, वर्ल्ड कैन व्यू इट, दुनिया उसे देख सके, तो उसके लिए हम वेब होस्टिंग करते हैं। वेब होस्टिंग एक सर्विस है जो कि अलाउ करती है किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को इंटरनेट पर डालने के लिए या उसका पार्ट बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब में होगा तो कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकेगा। एक बार वेबसाइट बन गई है तो आप उसे कनेक्ट करना चाहोगे इंटरनेट से ताकि यूजर जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हम रेंटेड सर्वर्स ले सकते हैं, यानी किराए पे CPU, RAM और स्टोरेज आपको खरीद के घर नहीं लाना, आपको ऑनलाइन स्पेस मिलेगी, उसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे हमारा गूगल ड्राइव है वो क्लाउड स्पेस है और ड्रॉप बॉक्स है, तो ये सब क्लाउड स्पेसेस होती है, ऐसे क्लाउड पे ही हमारे को सर्विस मिल जाएगी, किराए पे रेंट सर्वर मिल जाएगा जिसमें होस्ट कर सकते हैं अपनी लोकली बनाई हुई वेबसाइट को ताकि वहां से कोई भी उसका इस्तेमाल कर सके। यहां पे हम
अपलोडिंग कर रहे हैं फाइल की जो हमारी वेबसाइट के अंदर है, वेबसाइट का पार्ट है, वेबसाइट के अंदर शामिल है, जिसके अंदर HTML के पेजेस हो सकते हैं, CSS की स्टाइल शीट हो सकती है, JavaScript की प्रोग्रामिंग हो सकती है, लेकिन वेबसाइट में फोटोज भी होते हैं और जानकारी भी स्टोर होती है, डेटाबेसेस भी होते हैं। तो ये जितना भी वेबसाइट के अंदर का माल मसाला है इसे हम अपलोड करना चाहते हैं। दिस इज डन बाय अपलोडिंग द फाइल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द वेबसाइट। कहाँ से अपलोड करोगे भाई? तुमने अपने कंप्यूटर में बनाया तो तुम्हारे कंप्यूटर में पड़ा होगा ना ये सब, लोकल कंप्यूटर पे है तुम्हारे। कहां अपलोड करोगे? उस स्पेस पे जो आपने खरीदी है या किराए पे ली है। कहां पे किराए पे ली है? किसी के मकान में थोड़ी ली है, ये आपने सर्वर पे किराए पे ली है। तो सर्वर पे जो जगह हमारे को मिली है, जिसका हम रेंट पे कर रहे हैं या हमने परचेस करा है, तो वो हमारे कंप्यूटर से जानकारी निकल कर हम उसे सर्वर पे अपलोड कर देंगे ताकि पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल कर सके। तो हमारे को अवेल करना पड़ेगा सर्विसेज, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की। आपको मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा, जैसे कि GoDaddy.com है। तो ये GoDaddy.com, आपने इस पर टीवी पे भी इसका ऐड देखा होगा। तो ये बेसिकली वेब होस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को सर्वर्स को किराए पे ले सकते हो और डोमेन नेम भी ले सकते हो और वेबसाइट्स को ऑनलाइन अवेलेबल करवा सकते हो। तो जल्दी आप लोगों को एक बाइट की वेबसाइट जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बाइट लर्निंग की बना के, और फिर वहाँ पे हमारे पास काफ़ी लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से चैनल को एक्सेस करने का काम भी कर सकेंगे। तो ये सर्विसेज जो हैं जो हम सर्वर की इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज सर्विसेज फॉर यूजिंग द सर्वर रिसोर्सेज, जैसे कि सर्वर का रैम, सर्वर की हार्ड डिस्क, इंटरनेट की स्पीड, ये सब पेड होती है ज़्यादातर। और ये रिसोर्सेज जो है वो बढ़ती और घटती रहती है लोड के हिसाब से। कई बार दिन में बहुत सारे यूज़र आ जाते हैं वेबसाइट पे, तो वेबसाइट का लोड बढ़ जाता है। जब लोड बढ़ जाता है तो वो पैसे भी ज़्यादा लगाता है। जिस दिन बहुत कम लोग आ रहे हैं वेबसाइट पे, तो वहाँ पे सर्वर का लोड कम हो जाता है और वहाँ पे फिर आपके चार्जेस भी कम लगाए जाते हैं। एक बहुत और पॉपुलर सर्विस जो आज के टाइम में अवेलेबल है वो AWS है। अब AWS का मतलब क्या होता है? Amazon, वही Amazon जो आपको सामान बेच रहा है वो आपको सर्वर पे जगह भी देता है और उसे कहते हैं Amazon Web Services। और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड और बहुत ज़्यादा फीचर इक्विप्ड है। तो AWS का EC2 प्लान है, इकोनॉमिकल प्लान है, और इस पे हम वेबसाइट्स को अपलोड कर सकते हैं जो हमने बना रखी हैं। और अगर हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कम है तो इसका लगभग आपको खर्चा भी नहीं आएगा, फ्री में ही अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट। तो इसके बारे में आप ट्राई करके देखना, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो और खर्चा भी नहीं करना चाहते, तो आप Amazon वेब सर्विसेज की EC2 सर्विस का यूज़ कर सकते हो। और अगर पेड ही करनी है तो EC2 के अंदर और बढ़िया प्लान है जिसको आप खरीद कर पेड बना सकते हो। उसके अलावा दूसरी वेबसाइट जो मैंने आपको बताई वो GoDaddy.com है, जिसपे आप अपनी वेबसाइट के लिए जगह ले सकते हो, डोमेन नेम ले सकते हो और उसे वहां पे होस्ट कर सकते हो ताकि पूरी दुनिया से वहां से यूज कर सके। वेब होस्टिंग के बारे में जानकारी की, वेब सर्वर जो है वो लोकल सर्वर हो सकता है या फिर क्लाउड सर्वर हो सकता है जो कनेक्टेड होता है इंटरनेट से। उसका एक यूनिक न्यूमेरिक IP एड्रेस है और ताकि उसे पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये जो IP एड्रेस है ये हमें याद तो रहेगा नहीं, तो IP एड्रेस को ढूंढना पड़ता है, मैप करना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है एक नाम के साथ, और वो नाम है हमारा डोमेन नेम। अभी हमने डोमेन नेम पढ़ा था। तो हर एक वेबसाइट का जो हमने अपलोड करी है ऑनलाइन, तो उसको एक नाम दिया जाता है, वो नाम बेसिकली डोमेन नेम कहलाता है। और इस डोमेन नेम का इस्तेमाल करके आप उस IP एड्रेस की जगह, आपको IP एड्रेस टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको IP एड्रेस मिलेगा, लेकिन ये IP एड्रेस आप जोड़ दोगे। किसके साथ जोड़ दोगे? अपने डोमेन नेम के साथ जोड़ दोगे, अपनी वेबसाइट के नाम के साथ जोड़ दोगे, ताकि लोगों को सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखना पड़े, उन्हें एड्रेस ना लिखना पड़े। लेकिन इस नाम को फिर कन्वर्ट करा जाता है IP एड्रेस में, और फिर इस IP एड्रेस की मदद से आपको उस वेब सर्वर पे ले जाया जाता है जहाँ पे जानकारी पड़ी है। तो आसान नहीं है याद रखना ये सब नंबर्स, न्यूमेरिक IP एड्रेस। इसलिए किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए यूज़र जो है वो एंटर करता है उसका डोमेन नेम, और वो डोमेन नेम इज अ पार्ट ऑफ URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये नाम कहाँ एंटर किया जाता है? ब्राउजर में एंटर किया जाता है। तो ये तरीका है किसी वेबसाइट को अब सर्वर्स पे स्टोर करने का, ताकि पूरी दुनिया के साथ उसे शेयर किया जा सके, और उसे टेक्निकल भाषा में वेब होस्टिंग कहा जाता है।
तो ये लेक्चर का उम्मीद है शायद आखिरी पेज होगा। तो डोमेन नेम जो है उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, क्योंकि कोई और उसका यूज ना कर सके। उसके लिए ऑथराइज एजेंसीज हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट के लिए कोई नाम चूज करने का काम कर सकते हो। तो ये उदाहरण दिया जा रहा है, ये आपकी खुद की बनाई हुई वेबसाइट है, मान लो कोई शॉपिंग कार्ट आपने बनाई है, इसे आप वेब सर्वर पे होस्ट करोगे, वेब सर्वर पे आप होस्ट करोगे यानी बेसिकली आप अपलोड कर रहे हो। मैं यहाँ पे पेन की चेंज कर लूँ जरा एक सेकेंड। तो आप बेसिकली अपलोड कर रहे हो इसे यहाँ पे ताकि पूरी दुनिया के लिए वो अवेलेबल हो सके, और फिर इसको इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से हमारी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। और ये सब चाहे लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फोन है, डेस्कटॉप है, इनका इस्तेमाल करके हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्हें एंड यूजर कहा जाएगा। तो आपकी वेबसाइट अवेलेबल होगी यूजर को जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो वेबसाइट सर्वर पे पहुंच चुकी है तो। लेकिन जब तक वो सर्वर पे नहीं है, आपके कंप्यूटर में है, तो भले ही आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड क्यों नहीं है, तब भी वो आपकी वेबसाइट का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये वेब होस्टिंग है जहां पे जानकारी को सर्वर्स पे डाला जाता है ताकि वो वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट बन सके और जो भी यूजर इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो हमारी इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये वेब होस्टिंग नाम का हमारा टॉपिक था। लास्ट में वेबसाइट क्या होती है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके एग्जांपल्स, यानी बेसिकली हमारा सिलेबस जो है वो हो गया है दी एंड। आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है, सिलेबस इज ओवर। क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए सेलिब्रेशन का दिन है कि उनका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस खत्म हो गया है। आईपी वालों के थोड़े से टॉपिक्स हैं और चिंता मत कीजिए, इन टॉपिक्स को तो आपको कवर करना ही है, ये जो इसमें नेटवर्किंग में हुए हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़े से टॉपिक्स और बचे हुए हैं, वो आपके जल्दी से जल्दी वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मुश्किल से एक दो हफ्ते में आपका भी सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दो तीन लेक्चर्स हैं जिनमें से काफ़ी कुछ टॉपिक्स सेम आ जाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स थोड़े से स्पेशलाइज है, डिफरेंट है, वो आपको वहीं से कवर करने पड़ेंगे। इंटरनेट एंड वेब नाम से वीडियोस चैनल पर जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। हमेशा की तरह आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आंसर कहां दोगे, आंसर देने की जगह आपको पता है, कमेंट सेक्शन है हमारा, तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिएगा। चैप्टर सिलेबस खत्म हो गया है उसके लिए शुभकामनाएं या कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन या कुछ जो आप शेयर करना चाहते हो दिल खोल के कमेंट सेक्शन में भर के लिखो। आपकी ये वाली चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अगर आप नई नई चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें कंप्यूटर में सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर की और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आगे आने वाला युग, आगे आने वाला जो एरा है वो कंप्यूटर एरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी, हैकिंग, ये सब चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे काम करती हैं, आप इन फील्ड्स में जॉब ले सकते हो, अपने लिए अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी बाइट पर। बाइट के साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है, वो ज़बरदस्ती नहीं है, पसंद नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, मत लीजिए लाइक, डिसलाइक भी दबा सकते हो अगर बेकार लगती है तो, लेकिन अगर पसंद आती है तो फिर लाइक दबाने में कंजूसी मत करना, और वीडियोज़ को आप जब देखते हो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए, आज हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हर जगह मैं लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार इतने दिनों से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, तो सिलेबस आज हमारा ओवर हो रहा है, सिलेबस खत्म हो गया। इसके बाद भी अगर एक आधी वीडियो आती है तो आपकी मर्जी, आप देखो या ना देखो, नेटवर्किंग की, क्योंकि वो नेटवर्किंग के वो टॉपिक्स हैं जो कि होने चाहिए कवर लेकिन सिलेबस में नहीं है। आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, उनमें फर्क क्या होता है, ये सब चीजें कवर होनी चाहिए लेकिन अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं, तो इसलिए नहीं अब तक मैंने वीडियोस में शामिल किया। उनके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, वीडियो नंबर 12 होगी, जिसमें उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आपकी मर्जी, आप उसे भी देख सकते हो। तो अपने वही LCS वाले फर्ज को याद रखिएगा, देखते हैं कितने लोग चैनल के प्रति वफादार हैं, कितने लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, कितने लोग कमेंट के जरिए चैनल के बारे में विचार देते हैं, अपने आंसर देते हैं, और कितने लोग शेयर करते हैं वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और उस काम के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं भाई, सोशल मीडिया पे गप्पे मारते रहते हो, उसके अलावा थोड़ी सी वीडियोस भी शेयर कर दोगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, अपने लिए मिठाई खरीद के ज़रूर खाइएगा ताकि आप लोग बेनिफिट उठा सको, मिठाई खत्म नहीं लेकिन सिलेबस खत्म होने का। चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू व्यूअर्स, बाय फॉर टुडे, बाय फ्रॉम बाइट।